कुछ करने का जज्बा हो तो हर राह आसान हो जाती है, बस इरादों में दम होना चाहिए, फिर आपकी कमजोरी भी आपकी ताकत बन जाती है। आपके हौसलों के आगे हर मुश्किल राह आसान हो जाती है। कुछ इसी तरह का डाइट चौखाला में देखने को मिल रहा है, जहां DLED का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे दो ब्लाइंड प्रशिक्षु प्रथम वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं। इन दोनों प्रशिक्षुओं के जज्बे में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और दूसरे के लिए प्रेरणा बने। ये प्रशिक्षु इस समाज में नए आयाम स्थापित करने में जुटे हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट जुखाला में DLED प्रथम वर्ष की परीक्षा चल रही है और इस संस्थान में कुल 52 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। इन 52 प्रशिक्षुओं में से दो प्रशिक्षु ऐसे हैं जो पूरी तरह से ब्लाइंड हैं। इनमें से एक प्रशिक्षु इम्तियाज खान 75% ब्लाइंड है, तो वहीं बिल्लो देवी 100% ब्लाइंड है। ये दोनों डाइट जुखाला में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन दोनों प्रशिक्षुओं के बारे में डाइट जुखाला के अध्यापकों का कहना है कि ये दोनों प्रशिक्षु भी बाकी प्रशिक्षुओं की तरह सीख रहे हैं, बस इनकी तरफ थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ता है। ये थोड़ी देर बाद समझ पाते हैं, जिसके लिए डाइट जुखाला का अध्यापक इनकी तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं। प्रशिक्षण दे रहे अध्यापकों ने बताया कि ये दोनों पढ़ने में भी बाकी बच्चों की तरह है। जब कभी भी टेस्ट लिए जाते हैं तो इन दोनों के नंबर भी बाकी बच्चों की तरह आते हैं, बस ये दोनों लिख नहीं पाते हैं। इन्हें पढ़ाने के लिए डाइट जुखाला ने विशेष प्रबंध किए हुए हैं। इन दोनों छात्रों को पढ़ाने के लिए ऐप की मदद ली जा रही है। इस ऐप को मोबाइल फोन में इंस्टॉल करने के बाद पाठन सामग्री को स्कैन किया जाता है और ऐप की मदद से ये सारी पाठन सामग्री पल भर में ऑडियो की फॉर्म में बदल जाती है, जहां से ये दोनों प्रशिक्षु ऑडियो सुनकर पाठन सामग्री को सीख रहे हैं। इन दोनों छात्रों में जो लड़की बिल्लो देवी है, वे काफी गरीब परिवार से संबंधित है और वे मोबाइल फोन खरीदने के लिए भी सक्षम नहीं थी, जिसके चलते डाइट जुखाला ने अपनी तरफ से इस लड़की को मोबाइल फोन खरीद कर दिया, जिसकी सहायता से अब ये लड़की अपना प्रशिक्षण पूरा कर रही है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम बिल्लो देवी है, मैं DLED फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मैं यहाँ पर लगभग 1 ईयर से स्टडी कर रही हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है स्टडी करके। आजकल कोरोना की वजह से मैं वैसे तो हॉस्टलर हूँ, लेकिन मुझे यहाँ बाहर रूम दिया गया है। मेरे साथ मेरी सिस्टर रहती है और मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ DLED फर्स्ट ईयर के, तो मुझे बहुत दिक्कत आती थी पढ़ाई में। तो हमें डाइट परिवार की तरफ से मुझे एक डिवाइस दिया गया, रेडमी का फ़ोन, और उसके थ्रू मैं स्टडी करती हूँ। जो भी ग्रुप में हमें भेजा जाता है टेक्स्ट, उसको एक ऐप होता है कीबोर्ड, उसके ज़रिए मैं स्टडी करती हूँ। वो ऐप जो हिंदी हो तो भी वो हमें बता देता है सब कुछ भी, इसमें इस इमेज में क्या लिखा है। और मुझे यहाँ पर राइटर की ज़रूरत थी, तो मुझे मेरी सिस्टर ने हेल्प की है और वो मेरा एग्ज़ाम करती है और मैं वो क्वेश्चन रीड करती हूँ और मैं उसको आंसर डिक्टेट करती हूँ। सर गुड आफ्टरनून, मेरा नाम इम्तियाज़ खान है और मैं घुमारवीं से बिलोंग करता हूँ। मैं DLED फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं टॉकबैक के साथ पढ़ाई करता हूँ। टॉकबैक में और फ़ोन में कीबो ऐप से भी पढ़ाई की करता हूँ। और दोस्त ये मेरे को एक राइटर की आवश्यकता थी और जो मेरा फ्रेंड मेरे साथ है, मेरी हेल्प करता है, वो क्वेश्चन डिक्टेट करता है और मैं उसको आंसर डिक्टेट करता हूँ। और जैसे कि आपको विदित है कि DLED फर्स्ट ईयर की जो वार्षिक परीक्षा है, जो बोर्ड के द्वारा संचालित की जा रही है, वो शुरू हो चुकी है और हमारे यहाँ जिला बिलासपुर से 52 बच्चे इस संस्थान से बैठ रहे हैं इसमें परीक्षा में, जो विभिन्न जिलों से हैं। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर इन 52 प्रशिक्षुओं में दो बच्चे ऐसे हैं कि जो ब्लाइंड हैं, एक इम्तियाज जो 75% से ज़्यादा ब्लाइंड है और दूसरा बिल्लू देवी हैं जो 100% ब्लाइंड हैं। इन दोनों बच्चों को अन्य प्रशिक्षुओं की तरह ही परीक्षा में बिठाया गया है, लेकिन जो दोनों बच्चे हैं इनको राइटर की सुविधा दी गई है, मतलब एक अलग से व्यक्ति प्रोवाइड किया गया है जो इनकी क्वालिफिकेशन है उससे नीचे, और इनको बोर्ड के द्वारा
एक घंटा एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, यानी कि 10 से 1 बजे तक एक पेपर है तो इनके लिए जो है 2 बजे वो पेपर समाप्त होगा। और ये सारी जो सुविधा है ये बोर्ड, हिमाचल शिक्षा बोर्ड जो है प्रदान कर रहा है। जो बिल्लो देवी हैं जो 100% ब्लाइंड हैं, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो हमने संस्थान की तरफ से इनको विशेष मोबाइल फ़ोन मुहैया करवाया है ताकि उस ऐप के द्वारा जो भी पठन पाठन की सामग्री यहाँ से भेजी जाती थी वो वहाँ पर वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह का उसमें सॉफ्टवेयर है तो वो हमने यहाँ पर निःशुल्क मुहैया करवाया है ताकि ये अपनी शिक्षा जारी रख सकें। इससे पहले हमने जो दूसरे संस्थान थे, इंस्टीट्यूट थे या फिर जो एक्सपर्ट थे उनसे हमने पूरी राय ली थी, उसके बाद फिर ये चीज़ जो है बिल्लो देवी को हमने कराया है। तो बिल्लो देवी के भविष्य की हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं ताकि ये बेटी जो है अपना नाम रोशन कर सके और हमारे जिले का नाम रोशन कर सके। गौरतलब है कि ये दोनों प्रशिक्षु लिख नहीं सकते, जिसके चलते डाइट जुखाला ने बोर्ड से इनके लिए विशेष अनुमति ली और इन्हें लिखने के लिए अलग व्यक्ति की अनुमति मिली जो इनसे शिक्षा में कम पढ़ा लिखा हो। अब ये दोनों छात्र डाइट जुखाला में प्रथम वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं। इनके साथ लिखने के लिए अलग व्यक्ति है जो प्रश्न पढ़कर इन्हें सुनाता है और ये उस प्रश्न के उत्तर उस व्यक्ति को बताते हैं और वह इनके द्वारा लिखे गए उत्तर को उत्तर पुस्तिका में लिखता है। गौरतलब है कि शिक्षा बोर्ड की तरफ से इन दोनों छात्रों के लिए परीक्षा देने के लिए एक घंटा अतिरिक्त समय दिया गया है। वहीं इन दोनों प्रशिक्षुओं का कहना है कि डाइट जुखाला की तरफ से उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है और ऐप की मदद से वे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें उन्हें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है और वे जल्द यहां से अपना प्रशिक्षण पूर्ण करके समाज में अपने पैरों में खड़े होकर नया उदाहरण पेश करेंगे।